हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है प्रभास किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं रोहू मछली, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिसके लिए हमने लिया है रोहू मछली, उसे अच्छे से हमने धो लिया है और उसके बाद हमने मसाला के लिए लिया है प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती, लहसुन, मिर्च और एक कटोरी दही। उसके बाद हमने इसमें एक चम्मच नमक डाला है और एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने एक कढ़ाई लिया है और उसमें सरसों का तेल डाला है और उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तेल अच्छे तरीके से गर्म हो गया है, तब हमने उसमें एक एक करके मछली डालेंगे और उसे लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। इस समय हम अपने गैस के फ्लो को मीडियम रखेंगे। अब हमारी मछली बहुत ही अच्छे तरीके से लाल होने तक फ्राई हो चुकी है, इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसी तरीके से एक एक मछली को लाल के होने तक फ्राई कर लेंगे। अब हमारी सारी मछली लाल के होने तक फ्राई हो चुकी है। अब हम मसाला पीस लेंगे, जिसके लिए हमने एक मिक्सी लिया है और उसमें हमने टमाटर और प्याज जो पहले से काट कर रखे हुए थे उसे डालेंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन और मिर्च डालेंगे और इसे हम अच्छे तरीके से अब पीस लेंगे। उसके बाद हम उसी कढ़ाई में जीरा और सरसों डालेंगे और उसे अच्छे तरीके से चटकने देंगे। उसके बाद हमने जो अभी मसाला पीसा हुआ था उसे डाल देंगे और उसे हम एक बार अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक फ़िश करी मसाला डालेंगे। ये हमने छोटा पैकेट 10 रुपए वाला फ़िश करी मसाला लिया था। उसके बाद हम इसमें एक चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे और इसे हम अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेंगे। इसे हम अब ढक कर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब 5 मिनट बाद हम इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे। इस समय हम अपने गैस के फ्लो को मीडियम रखेंगे। इसे हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब 2 मिनट बाद हमने जो एक कटोरी खट्टा दही लिया था उसे डालेंगे और उसे हम अच्छे तरीके से अब इस मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। इस समय हम अपने गैस के फ्लो को मीडियम रखेंगे, जिससे हमारा दही फटे नहीं। उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। अब 5 मिनट बाद हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि हमने शुरू में भी मछली में एक चम्मच नमक डाले हुए थे। उसके बाद आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मसाला हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से अब पक गया है। उसके बाद हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे और इसे हम अब अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें एक उबाल आ चुका है। उसके बाद हम इसमें जो पहले से मछली तल कर रखे हुए थे उसे एक एक कर कर डालेंगे। इस समय हम अपने गैस के फ्लो को हाई रखेंगे, जिससे हमारा अच्छे तरीके से उबाल आते रहे। और उसके बाद हम इसे ढक कर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब 5 मिनट बाद आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा मछली पक चुका है। अब हम इसके ऊपर धनिया पत्ती डालकर इसे गार्निश कर लेंगे। अब हमारा मछली बनकर तैयार हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।